देखिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन वी नो द वी नो फॉर्मूलाज वी हैव अटेंडेड ऑल क्लासेस बट स्टिल वी डोंट नो सॉल्विंग नहीं आता सर हमको ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आते तो क्वेश्चन हम लोग सब कुछ करते इतना पढ़ाई करते फिर भी टेस्ट में मार्क नहीं आते तो ये इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की थेरी आता है फॉर्मूलेज मग किए हैं सब अच्छे से क्लासेस भी अटेंड किए हैं सर फिर भी हमको सॉल्विंग नहीं आ रहा है तो वो हमने प्रैक्टिस भी किया है प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किए फिर भी नहीं आ रहा है तो देखिए उसके पीछे क्या क्या रीज़न है हम लोग वो देखते हैं तो पहले अगर आपको सपोज किसी को स्विमिंग सीखना है क्या सीखना है आपको स्विमिंग तो क्या करना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए बोलिए स्विमिंग सीखने के उतरना पड़ेगा हां पानी में उतरना पड़ेगा ना पहले ही स्विमिंग के लिए तो पानी में उतरोगे ओनली वेंटर इनटू द वाटर देन ओनली विल लर्न स्विमिंग और अगर आप डर डर के कभी वाट पानी में मेरे को नहीं आता इसलिए पानी में उतरोगे ही नहीं तो स्विमिंग आएगा क्या नहीं ना तो यू हैव टू स्टार्ट स्विमिंग फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट स्विमिंग फर्स्ट थिंग इज दैट तो सॉल्विंग के लिए फर्स्ट थिंग क्या है सॉल्विंग कैसे आएगा आपको कैसे आएगा सॉल्विंग करने से ही आएगा है ना सॉल्विंग के लिए आपको सॉल्विंग करना पड़ेगा सॉल्यूशन सॉल्विंग के लिए सॉल्विंग ही है पहला चीज ठीक है तो फर्स्ट यू टू स्टार्ट द सल्विंग दैट इज द थिंग ये एक पहला चीज हो गया उसके बाद अगर आप सपोज पानी में उतर भी गए तो अब तुरंत पानी में जाने के बाद तुरंत आने वाला है क्या आपको स्विमिंग तुरंत आता है क्या स्विमिंग इमिडिएटली आपको तैरना आ जाता है क्या नहीं, नहीं उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको पहले तो जब पानी में जाते हैं तो उसके साथ में आप क्या करते हैं टायर वगैरह लेके जाते हैं साथ में है ना वो, वो वो लगाते हैं या कुछ तो आप लाइफ जैकेट लगाते हैं ठीक है लाइफ जैकेट लगा के वगैरह तो क्या करते हैं आप स्विमिंग पानी में उतरते हैं और तैरने की कोशिश करते है ठीक है तो ऐसी सॉल्विंग में जो लाइफ जैकेट है ना आपका तो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना दैट इज लाइफ जैकेट फॉर यू इन सॉल्विंग तो लाइफ जैकेट लगा के आपको देखना पड़ता है कैसे सॉल्विंग करना है बाकी लोगों से पूछना पड़ता है कि ठीक है कैसे करना है और बाकी लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है कैसे किया जा रहा है तो वैसे आपको सॉल्यूशन ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे कर रहे हैं किस समय पे किस समय पे वो क्या कर रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो समझना है जैसे हम लोग स्विमिंग करते समय कि आपको देखना है कि अरे जिसको स्विम एक्सपर्ट स्विमर है तो उसको डूब रहा है तो वो क्या करता है उसको आगे बढ़ना है तो क्या करता है एक ही जगह पे रुकना है तो क्या करना है करना है उसको अगर पर्पज पानी के अंदर जाना है तो वो कैसे करता है हाथ पैर के मूवमेंट कैसे आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा है ना तो ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग लगेगा ठीक है ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग तो ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन बोलेंगे हम लोग उसको एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन का करना पड़ेगा आपको एंड यू हॉ टू थिंक यू हा टू थिंक ये ऐसा क्यूँ थिंक किस बारे में वाई लाइक दिस वाई का जवाब ढूंढना है वाई लाइक दिस वाई नॉट लाइक दैट ऐसा वाई का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है तो ये पहला चीज है कि आपको क्या करना है पहले सॉल्विंग के लिए स्टार्ट करो सॉल्विंग उसके बाद क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे है किए हुए उसको देखो ठीक से समझो कि क्या देने के बाद यही फॉर्मूला यूज किया इसके लिए कोई अल्टरनेट फार्मूला है क्या फिर वो क्यों नहीं यूज किया यही क्यों यूज किया गया है फॉर्मूला ठीक है ना उसके बारे में सोचना है इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या ये फॉर्मूला कब फेल होगा कब नहीं गिवन में ऐसा क्या दिया है जिससे मुझे हिंट मिलता है कि ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे क्यों नहीं सूझा जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो मेरे को याद नहीं आया फॉर्मूला बट इन्होंने किस बेसिस पे डिसाइड किया तो वो आपको सोचना है उसको ढूंढना है ठीक है तो जब तक वो क्लियर नहीं ना वाई वाई धिस फॉर्मूला नहीं वाई दिस एंड हाउ दे हैव सिलेक्टेड दिस फिर वो आपको क्लियर होना चाहिए देन वनली यू विल एबल टू लर्न सॉल्विंग नहीं तो हम क्या करते हैं जो सॉल्यूशन देखते हैं सपोज किसी ने लाइफ जैकेट पहन ले तो तैरता है उसको लगता है मेरे को आ गया स्विमिंग है ना बट लाइफ जैकेट निकालने के बाद पता चलेगा एक्चुअली कि उसको स्विमिंग आता है कि नहीं आता लाइफ जैकेट पहन के तो कोई भी तैर लेगा छोटा बच्चा भी तैर लेगा उसको फेंक भी देंगे पानी में लाइफ जैकेट से वो तैर जाएगा है ना तो वैसे ही सोल्यूशन देखने के बाद तो आपको सॉल्व करते आएगा ही ऑब्वियस है हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन देखने के बाद तो आ ही जाएगा तुरंत बट सोल्यूशन देखने के बाद कुछ दिनों के बाद ठीक है आफ्टर फ्यू डेज सात आठ दिन के बाद जब तक आप सोल्यूशन आपके मेमोरी से निकल जाएगा तब अगर आपको सॉल्विंग करते आता है समझा नहीं था, आपको जिस वह है, था कि आपको समझ गया। जैसे वो लाइफ जैकेट पहन के लगता है कि मैं स्विमिंग सीख गया बट आप एक्चुअली सीखे नहीं रहते ही जो कब पता चलेगा आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो स्विमिंग के लिए क्या करना पड़ता है प्रैक्टिस और आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप क्या करते जाएंगे एक्सपर्ट बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे एक्सपर्ट आपको थे कितना भी बताया ना तो भी उससे एक्सपर्ट बनेंगे नहीं ऐसा स्विमिंग करना चाहिए वैसा करना चाहिए वैसे नहीं सीखेंगे अब जब खुद करके देखेंगे खुद प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे ग्रेजुअली और टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस भी रेगुलरिटी रेगुलरिटी होना चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए रेगुलर ऐसा नहीं कि एक दिन किया दस दिन आराम किया फिर बाद में दस दिन के बाद फिर से गए तब तक दस दिन में पहला जो किया था वो भूल गए ना रेगुलर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट रेगुलरली आपको प्रैक्टिस रेगुलरली सॉल्विंग करना पड़ेगा विद्यूलर सॉल्विंग करना है आपको बिना किसी का रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे एक दिन में आप सॉल्विंग सीखने वाले नहीं या एक बार कुछ सोल क्वेश्चन सोल्व सॉल्व एग्जाम्पल करने से सीखोगे नहीं तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा है ना तो प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर है ना परफेक्ट मत बोलो परफेक्ट तो कोई नहीं बनता बट प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर एंड बेटर बेटर एंड सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सो दैट इज द दोल्यूशन ठीक है सॉल्विंग प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर तो आप करके देखोगे अगर पेशेंटली आप करते हैं और एनालिटिकली सोच के ऑब्जर्व करके आप अगर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं दो देन देन वनली यू लेबल टू लर्न सॉल्विंग तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझ में आया इतना तो पहले स्विमिंग के लिए मैंने बताया पहले स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट सॉल्विंग ठीक है ये वाला सेकेंड इज यूज लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट क्या है आपका सोल्यूशन देख के आप क्या करो सीखो समझो कि उसको एनालिटिकली थिंक एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए उधर वाई का जवाब ढूंढो ठीक है एनालिटिकल थिंकिंग करके आपको वाई का जवाब ढूंढना यही क्यों किया गया है ठीक है फिर ये वाई आपको क्लियर होना चाहिए क्यों यही कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन है क्या अल्टरनेट दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं क्या फिर दूसरा तरीका है तो इसको ही क्यों सेलेक्ट किया गया ऐसी कौन सी हिंट थी इसके अंदर गिवन में ठीक है जिससे ये फॉर्मूला डिसाइड किया गया हिंट्स गिवन इन प्रॉब्लम वो आपको हिंट ढूंढते आनी चाहिए समझनी चाहिए हिंट समझनी चाहिए प्रॉब्लम जैसे कोई पजल है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसी में हिंट दी जाती है ठीक है बट समझने वाले को इशारा काफी तो आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको नहीं समझता तो टेक हेल्प ऑफ टीचर्स टीचर्स से समझने की कोशिश कीजिए तो ये सेकंड थिंग हो गया थर्ड हो गया कि देखो उसके लिए फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करने चाहिए एक बार करने से नहीं होता आपको बार 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 रिपीटेडली फार्मूले को पढ़ना पड़ेगा रिपीटेड रीडिंग ऑफ फार्मूलाज जब रिपीटेडली पढ़ोगे तो आपको आपको उसका एप्लीकेशन समझेगा नहीं तो नहीं एक बार पढ़ने से अप्लाई क्या हो याद ही नहीं रहता तो अप्लाई करना तो दूर का छोड़ दो दूर की बात है तो आपको रिपीटेडली फार्मूले को समझना भी है मगअप भी करना है फिर फॉर्मूले के ऊपर जो कंडीशंस है कब यूज करना है कब नहीं है ना वैन यस वैन नो तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने आपको कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछा था टेन रेस्ट टू माइनस टेन एन एच का पी एच कितना है बोलो हाउ मच विल बी दी एच ऑफ टेन रेस्ट टू माइनस टेन एन एच किसको किसको आता है रेज योर हैंड्स आंसर मत बताओ दोज वू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आपका आंसर चार्ट में टाइप करो पर्सनली this is first problem number 1 second problem pressure is given to you theek hai jinko jinko aata hai raise your hand and aapka answer jo bhi rahega value type karo chat mein pressure given to you temperature is given to you then v1 v2 is given to you theek hai and आपको क्या कर रहा है वर्क डन पूछा है वर्क डन तो बोले उसको कैसे निकालेंगे उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप वो भी ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए तो आप क्या करिए दोनों के अगर जिनको आंसर आते हैं रेज योर हैंड्स एंड टाइप टाइप इन में कीजिए ठीक है ओके एक आंसर आ गया तो टाइप इन फटाफट और फिर देखिए आप में से कितने लोगों का सही आता है आई विल नॉट टेक द नेम्स किसका किसका गलत है किसका किसका सही है वो नहीं बताऊंगा नाम नहीं लूंगा मैं बट आई विल टेल यू कि कितने में से कितने लोगों का गलत है सही है देखेंगे हम लोग ठीक है जस्ट टाइपिंग चार्ट फटाफट इसका सिर्फ फॉर्मूला ही लिखो मुझे फॉर्मूला ही बता दो बस और वही फॉर्मूला क्यों है किस बेसिस पे आपने वो किया? वो किया? लिख लो। इसके लिए, second question के लिए, के ठीक है? डाउन योर आंसर्स फटाफट ओके तो ये तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ आप सॉल्व करते रहो। मिनट्स फॉर दिस टू प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए नोटबुक पेन भी यूज कर सकते हैं आप बस इंटरनेट यूज मत करो ठीक है ये आपको देखो इस प्रॉब्लम का मुझे कुछ इसके मार्क नहीं है कुछ नहीं जस्ट ऑनेस्टली आप क्या करो बता दो इसमें कितना है यस hmm. yes. सब लोग नहीं डाल रहे डालिए जल्दी जल्दी आंसर जल्द जल्द आपका फटाफट और अगर आपको नहीं आता है तो नो डाल दो डोंट नो सर आई डोंट नो ऐसा डाल दो तो भी मुझे समझ जाएगा फिर आपको है ना आई डोंट नो ऐसा डाल सकते जिनको को नहीं आ रहा है आई डोंट नो आई डी के ऐसा डालो फटाफट -पट। सब लोग पटा पट रिप्लाई करो जल्दी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ लोगों ने किया है यस जल्दी जल्दी बाकी लोग रिप्लाई कीजिए फास्ट फटाफट -पट। नाम लू किसने किसने रिप्लाई नहीं किया राइट डाउन समथिंग फटाफट जो भी अगर आपको नहीं पता है तो यू राइट डाउन आई डोंट नो और इसमें कुछ मार्क्स नहीं मैं किसी को डांटने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ जस्ट एक कुछ फैक्ट बताने आपको इसके लिए मैं दिया है असाइनमेंट ओके हाउ मेनी रिप्लाइड एक आदेश मानसी ने रिप्लाई किया वेदिका ने किया श्रुति ने किया सौरांगी ने किया पूर्वा काली ने किया नैनेश्वरी ने किया दर्शन ने किया रेणुका ने किया साक्षी ने किया सौरांगी ने किया श्रद्धा ने किया संकेत किया नैनेश्वरी ओके सिद्धि वेदिका कशिश के साथ का भी देखो आई विल टेल द आंसर्स ठीक है जिन्होंने नहीं किया रिप्लाई कंप्लीट करो आई विल सी द करोल तो देखो आंसर में बताता हूँ आपको अभी क्या 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 है उसका आंसर तो यू चेक वेदर इट इज करेक्ट तो पहले इसका आंसर बताता हूँ मुझे पूछा है pH, और मुझे दिया है एन एच तो मैंने सबसे पहले देखना चाहिए भाई मुझे एनएच दिया है जो कि बेस है तो उसका और उसका दिया जो है कॉन्सेंट्रेशन मुझे माइनस मोलार दिया है मोलियरिटी दिया है मतलब ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ये है OH है क्योंकि बेस तो कितना आएगा टू किसका आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस तो कुछ लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया पी एच जी टू टेन पी एच नहीं टेन फिर भी उसमें भी गलती कर दिया पीओ एच टेन लिख दिया कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने पी एच टेन लिख दिया तो वो पहला गलती ठीक है इधर ही गलत कर दिया उसको कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस की जगह एच प्लस समझ लिया पहला गलती तो टेन तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है ठीक है पीएच का भी नहीं है और फिर कोई बोलेगा सर पी ओ एच कुछ लोगों ने फिर इधर तक सही किया पहला स्टेप पी 10 एच टेन है बोले बट फिर उसने क्या किया 14 माइनस टेन कर लिया तो पी कितना आ गया सेवन सॉरी पीएच फोर आ गया उनका पीएच तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग अभी कैसे देखो मैं बताता हूँ ठीक है ये भी रॉन्ग है तो क्योंकि आपको देखना है मैंने कंडीशन बताया था आप और वेरी डायलूट सोल्यूशन बहुत डायलूट सोल्यूशन है तो क्या होना चाहिए आपका पीएच इसके लिए आपको वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस एड करना होता है तो ओ एच माइनस ये कंडीशन है इस फॉर्मूला यूज करने के लिए तो टेन टू माइनस टेन प्लस टेन टू माइनस सेवन ठीक है तो कुछ लोगों ने ये स्टेप भी किया अभी इसमें कुछ लोगों ने गलती किया देखो तो फिर इसमें टेन टू माइनस सेवन अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा टेन रेस टू माइनस सेवन कॉमन निकाला तो इसमें देखो क्या हो जाएगा टेन रेस टू माइनस थ्री बचा और प्लस कितना बचा वन बचा बराबर है तो क्या आएगा वन पॉइंट कितना आएगा जीरो जीरो वन ये इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन तो क्या आएगा आपका पीओ एच हाउ मच इट विल बी सेवन माइनस लॉग वन बराबर है पॉइंट जीरो वन तो ये क्या जीरो पॉइंट कुछ तो वन की ना आएगा तो ये ऑलमोस्ट सिक्स नाइन नाइन आ रहा है आपका पी एच सॉरी पीओएच एच पीओ एच इज सिक्स नाइन नाइन अभी PO, की तो आपको पूछा है पीओ एच है तो इधर भी आंसर नहीं आया अभी तक ठीक है पीएच पूछा है तो फिर आपको क्या करना है फोर्टीन माइनस सिक्स पॉइंट नाइन नाइन तो आएगा आंसर आपका सेवन पॉइंट वन या सेवन पॉइंट जीरो वन जो भी है ये वाला ठीक है ऐसा आएगा तो ये तो अगर आपका आंसर इधर किसी का चार आ रहा है किसी का सेवन आ रहा है तो आपने देखना चाहिए दिस इज बेस इसका चार तो आ ही नहीं सकता इट शुड बी ग्रेटर देन तो तो पहले तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए बेस है तो OH आएगा और इट शुड बी ग्रेटर देन सेवन अगर इधर गलत भी हो गया ना किसी का पी एच दस पीएच फोर तो फोर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अरे ये तो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस इसका पीएच सेवन से कम कैसे रह सकता है इसका तो ज्यादा रहना चाहिए इसका मतलब मैंने कुछ तो गड़बड़ किया कंडीशन नहीं देखा तो कंडीशन ये है कि माइनस सेवन से कम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मुझे वाटर का भी ओ एच माइनस या एच प्लस के लिए करना होता है तो ऐसा करके फिर आपका आंसर फाइनल आंसर इज सेवन पॉइंट वन दैट इज समझे ये पी एच है तो कितने लोगों का आया था सही सही कितने लोगों का आया था ऑलमोस्ट नो बड़ी देखो नो वन डिड इट करेक्टली सेवन प्लस लो हाँ एक एक का आया था बस दैट ऑल्सो आई टोल्ड हाँ एक का आया था बस सही बस हो गया एक का ही सही आया था ठीक है बाकी किसी का सही नहीं आया पीएच समझे अभी देखो तो देख ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि देखो गलतियां किधर होती तो आपकी क्लियर नहीं है अपनी कंडीशन फार्मूले ठीक से की उस फॉर्मूले को क्या कंडीशन मैंने बार बार बोला है कंडीशन याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन बार पढ़ा है आपको आईने क्योंकि फिर भी गलत हुआ देखो क्योंकि आपको ठीक से फॉर्मूले याद नहीं कंडीशन लिखे नहीं आपने तो कंडीशन लिखने पड़ेंगे हर एक फॉर्मूले के बार बार पढ़ने पड़ेंगे फॉर्मूले में ही गड़बड़ है तो प्रैक्टिस का तो सवाल ही नहीं उठता इसलिए प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आते आपको क्योंकि फॉर्मूले फॉर्मुला गलत है फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन का पूछा था आपको तो W के लिए तो V1 दिया V2 दिया P दिया ठीक है टेम्परेचर दिया और आपको W पूछा ऐसा बोला मैंने ठीक है तो कुछ लोगों ने लिखा रहेगा फॉर्मूला टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एनआरटी वाला ठीक है क्योंकि वी वन वी टू दिया है ना इधर और पी भी दिया है टी भी, भी दिया है एन भी दिया है इसलिए बट आपको डिसाइड करना है तो अभी देखो टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री वाला कौन से प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल और माइनस पी डेल्टा किसके लिए आपका इरिवर्सिबल तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल वी वन वी टू एन दिया इसका मतलब वो रिवर्सिबल ऐसा नहीं होता तो प्रेशर से डिसाइड करना होता है है ना प्रेशर का कंडीशन आपके आयलन में लिखा हुआ है मैंने भी बताया हुआ है आपको प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस प्रेशर वेरिएबल है तो कौन सा प्रोसेस वो हमने लिख के लिया है उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ा है तो वो प्रेशर से आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा प्रोसेस रिवर्सिबल की इ रिवर्सिबल है और उसके हिसाब से देन ऑर टू डिसाइड द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू एक बार फॉर्मूला डिसाइड हो गया तो क्या कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा आपको आराम से क्या आप कैलकुलेशन में गलत नहीं होंगे आप कैलकुलेशन आ जाएंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा बट ये फार्मूला डिसाइड करने के लिए ये कंसेप्ट पता होना चाहिए ना आपको देखो यू आर लैकिंग इन दी कंडीशन ऑफ फॉर्मूले कौन सा फार्मूला कब यूज कर सकते कब नहीं उसकी जो कंडीशंस है ना वो ही नहीं आपको याद इसलिए आपको सॉल्विंग नहीं आ रहा है सो यू शुड नो द कंडीशन वेन टू यूज वेन नॉट टू यूज डूज एंड डोंट्स फार्मूलेस के बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ फार्मूला लर्न करने से नहीं होता ठीक है सिर्फ फार्मूला लर्न करने से नहीं होता अगर मैं बोलता हूँ देखो आपको क्या दिखा क्या क्या दिया है सपोज डेल्टा एच नॉट इज गिवन टू यू डेल्टा एच नॉट इज गिवन उसके बाद क्यू रिवर्सिबल दिया है टी दिया है एंड आपको क्या किया है आपको के पूछा है बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जल्दी बोलो डेल्टा एच नॉट दिया है आपको क्यू रिवर्सिबल दिया है टी दिया है और के सी पूछा है के कौन बताएगा कौन सा यूज करेंगे जल्दी बोलो और फॉर्मूले सारे आपको इसके लिए जो लगने वाले ने सारे फॉर्मूले आपको याद है मैंने फॉर्मूला अगर शुरुआत कर दिया तो आप आगे का आप ही बता देंगे बट अभी इसमें क्लिक होना चाहिए आपको कौन सा फॉर्मूला है उसके लिए यूज करना है टाइप चार्ट में टाइप करो या डायरेक्टली बोला तो भी चलेगा बोलो एनीबडी जिसको आता है बता दो तो देखो इसमें कैसे करना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई मेरे को केसी निकालना है तो केसी के लिए क्या करना पड़ेगा केसी के लिए मुझे चाहिए पता होना चाहिए केसी का किस फॉर्मूले में आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी ऑफ के सी ठीक है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी ऑफ की ये के सी ये फॉर्मूला है मेरे पास तो ये तो है ठीक है मुझे डेल्टा जी नॉट चाहिए इसके लिए डेल्टा एच नॉट दिया है फिर डेल्टा एच नॉट वाला कोई फॉर्मूला है क्या डेल्टा जी नॉट का हाँ है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट ओके टी डेल्टा एस नॉट है फिर अब बट मुझे एस नॉट नहीं दिया बट एस नॉट का फिर क्यू रिवर्सिबल और टी का कुछ एस नॉट के साथ रिलेशन है क्या हाँ है डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी बराबर है तो इससे डेल्टा एस नॉट निकालो पहली स्टेप देन पर जाते समय आपको केसी से जाना होगा केसी के लिए कौन सा फॉर्मूला है फिर वो फिर उसके लिए क्या लगता है फिर उसके लिए क्या लगता है फिर उसके लिए क्या लगता है पहले फॉर्मूले डिसाइड कर लो देन उसके बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो फिर अभी कैलकुलेशन करते समय उल्टा पहले डेल्टा एस निकालो डेल्टा एस नॉट फिर डेल्टा जी नॉट निकालो फिर आपका एल के सी निकालो फिर उससे के सी निकालो ऐसा करना है ठीक है तो क्लिक होना चाहिए तो आपको फॉर्मूले रिलेट करते आने चाहिए अलग अलग चैप्टर के इंटर रिलेट होना चाहिए फॉर्मूले एकदम नींद में से उठाए तो भी आने चाहिए आपको तो उतने स्ट्रॉन्ग चाहिए तो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद नहीं है उसके एंड डोंट्स पता नहीं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको सॉल्विंग आएगा करके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो आएगा बट अगर थोड़ा भी ट्विस्ट किया तो देखो मैंने ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछे जब वो चैप्टर चल रहा था तो वो क्वेश्चन आपने आसानी से सॉल्व किए थे बट बाद में नहीं आ रहे अभी क्यों क्योंकि आप उसको फॉर्मूले को रिवाइज नहीं कर रहे हैं ठीक से और उसको टेंजिबली आपने लर्न भी नहीं किया प्रॉपरली और उसके कंडीशंस तो याद है ही नहीं आपको उसके कंसेप्ट तो याद ही नहीं फिर कैसे आएंगे सॉल्यून है ना सो यू शुड नो दिस तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको रिविजन फॉर्मूले रोज पढ़ो रोज कम से कम आप दो चैप्टर के टारगेट रखो दो चैप्टर एक सुबह एक शाम को चैप्टर के फॉर्मूले जिसके लर्न ऑलरेडी किए हुए हैं उसको पढ़ने का समझने का पढ़ने का और उसके कंडीशंस लिख लेने के और अगर ये कंडीशंस देखो आपको पता कैसे लिखे आलन में मैंने भी बताए हुए बट आपने ठीक से उसको नोट्स मैंने बोला था फार्मूले के नोट्स अलग बनाओ उसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ो और उसमें कुछ कंडीशन बताओ तो, तो उधर ही नोट डाउन करो बाद में आप भूल जाएंगे बाद में पोस्टपोन मत करो या सॉल्विंग कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसमें कुछ कंसेप्ट नया दिखा वो आपकी जो फार्मूले की नोटबुक है उसमें ऐड करो वो भी बोला था और आप अगर 400 500 टाइप के पाँच सौ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब क्या होगा आपको हर एक टाइप के कम से कम क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोई चैप्टर में कितने टाइप होंगे सौ टाइप होंगे या पचास होंगे पचास होंगे तो आपको हर एक टाइप के दस क्वेश्चन आएंगे कम से कम सौ टाइप होंगे तो पांच क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हर एक टाइप के तो वो पाँच क्वेश्चन करते करते आपका वो फॉर्मूला रट्टा हो जाएगा मगअप हो जाएगा और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सीख लेंगे ठीक है ना और उसका कंडीशन भी आप सीख जाएंगे क्योंकि गलत हो जाएंगे अगर कंडीशन गलत यूज किया तो फिर आप सोल्यूशन देखेंगे फिर आपको समझेगा तो इतने क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करने को बोला जाता है ताकि आप फॉर्मूला वो यूज टू हो जाए अभी मैंने इन्हें फार्मूले कभी रट्टे नहीं मारे कभी नहीं रट्टा मारा बट ऐसे सॉल्विंग करते करते याद हो गए बहुत सारे तो वैसा फिर भी मैं इतना सॉल्विंग भी मैं पर्सनली तो नहीं करता बट ऐसे आपका सॉल्विंग लेते लेते हो गए याद हो है ना

अगर आप उसको बार बार सॉल्विंग करते बार बार पुनः दो एक बार किया जो नहीं आए तो उसको सॉल्यूशन देख के समझा फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स लिख के रखे जो आपने आपको आपने क्या सोचा था इसलिए गलत हुआ उन्होंने कैसे सोचा इसलिए उनका सही है उसको कैसे सोचना है वो सारी चीजें लिख लिया अपने आपके वर्ड्स में और उसके बाद आठ दस दिन के बाद फिर से एक बार सॉल्व किया फिर उसके बाद वो क्या हो गया सॉल्विंग किया और एक बार लास्ट एग्जाम से पहले एक बार एग्जाम मेन एग्जाम है उसके एक आधा महीने पहले एक बार फिर से सॉल्व किया तो आपका पक्का हो जाएगा प्रीवियस ईयर एक बार करके छोड़ दिया आपने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो आप सॉल्यूशन देख लेते हाँ हो गया है तो आसान है मेरे को आ जाएगा हाँ ऐसा बोल के चले जाते आप छोड़ देते उसको सॉल्व करके भी नहीं देखते या कुछ लोग देखते सॉल्व करके तुरंत सॉल्व करके देखते तुरंत आपने सॉल्यूशन देखने के बाद आपको आने ही वाला है ना वो ऑब्वियस है हंड्रेड परसेंट देखिए आपको आने वाला है इसका मतलब तुरंत सॉल्व करके नहीं देखना ऐसा नहीं तुरंत सॉल्व करके तो देखो बट आठ दस दिन के बाद फिर से वो क्वेश्चंस को करके देखो अगर आया आपको करते दस दिन के बाद इसका मतलब समझा था नहीं तो नहीं समझा था तो टीचर को पूछ लो उसको कैसे अप्रोच करना है उस प्रॉब्लम को आज डाउट ठीक है तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू सॉल्विंग कैसे करना है दैट यू शुड नो फर्स्ट तो सॉल्विंग कैसे करना है वो करोगे तो सीखोगे और नहीं तो अगर आप टेक्निक्स यूज करो एंड देन यू इंक्रीज द आइडियली हजार क्वेश्चन करोगे तो सारा वो चैप्टर पक्का हो जाता है फिर आपको टेक्निक भी नहीं पता तो भी सीख लोक सारे टाइप के क्वेश्चन बट क्यों बोल रहा अगर आप टेक्निक्स जो मैंने बताया वो यूज करके अगर सॉल्विंग करते तो हो जाएगा और पाँच सौ ज्यादा मुश्किल है प्रीवियस ईयर में आपको सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन हो जाएंगे फिंगर टिप्स सौ हो गए कितने हो गए ढाई सौ तो इधर हो गए एलन के तीनों एक्सरसाइज कर ले तो उसमें दो सौ ढाई सौ रहेंगे हो गए पांच सौ क्वेश्चन तो एटलीस्ट अगर एक साथ सब नहीं होता तो पहले प्रीवियस ईयर करो उसको अच्छे से करो जेई नीट सी का फिर फिंगर टिप्स करो सेकंड में फिंगर टिप्स करो नहीं तो फिर थर्ड में का एक्सरसाइज करो करो तो ऐसे बार बार करो, और अगर एक बार आपने एक बार बार परफेक्ट कर लिया चैप्टर एक बार आपने एक आपने महीना दे दिया एक चैप्टर को और दो महीने उसको देखा ही नहीं तो भूलेंगे नहीं तो क्या होगा उससे अच्छा आप अभी उसको क्या करो अभी सौ क्वेश्चन सॉल्व करो पहली बार में प्रीवियस ईयर जेई नीट का दूसरी बार में सीई का तीसरी बार फिंगर टिप्स

पीछे का वैसे ही जा रहा है ना रिवीजन क्यों नहीं कर रहे रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत बार पेरेंट्स भी बोलते हमारे बेटा और बेटी बहुत पढ़ाई करते सर बच्चे भी बोलते सर मैं बहुत पढ़ता हूँ बट मार्क्स ही नहीं आते रिविजन ही नहीं करते तुम कैसे मार्क्स आएंगे तुमको ये जो इस तरीके से सॉल्विंग करना चाहिए वो सॉल्विंग ही नहीं करते तुम्हें फार्मूला ठीक से पता नहीं कंडीशन से ही नहीं पता तो कैसे आएगा सॉल्विंग करना पड़ेगा बार बार और बहुत ज्यादा सॉल्विंग करना पड़ेगा देन नहीं तो आप करके देखो एक चैप्टर के पास सौ तो क्वेश्चन सॉल्व करो मैंने जैसे मिस से बोला, उस मेथड से आपका मैं बोलता हूँ कोई भी टेस्ट में आपको केमिस्ट्री में 140 से कम मार्क्स नहीं आएंगे मिनिमम में बोला आपको मिनिमम 140 आएंगे मिनिमम कितने मिनिमम 140 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं ठीक है अगर आपने मैंने जैसे मेथड से बोला उस मेथड से सॉल्विंग किया और अगर आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए उस चैप्टर के तो तो मिनिमम एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मिनिमम वन फोर्टी आएगा आपका ब्रेन अच्छा है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अगर बहुत अच्छा है तो उससे भी बहुत ज्यादा आएंगे भी आ सकते हैं बट मिनिमम वन फोर्टी आएगा आपने थेरी अच्छे से करके जिस तरीके से मैंने थेरी पढ़ने के लिए बोला है पिछले वीडियो में उस तरीके से थे पढ़ा सॉल्विंग किया तो ये करना पड़ेगा तो अभी कोई बोलेगा सर इतना टाइम नहीं हमारे पास इतना टाइम ही नहीं मिलता सर तो ठीक है बाबा चार चैप्टर करने की जगह तो दो ही करना पर दो अच्छे से करना परफेक्ट कर और एक एक चैप्टर कम करके उसका रिविजन करो रिविजन को टाइम दो रोज का कुछ फिक्स टाइम दो रिविजन के लिए मैं से से बोलते जा रहा आपको करो करो फिर भी आप ठीक करते नहीं पूरे सपाटी चल रहा है तो तीन चैप्टर हुए आज पढ़ा के सब दो दिन में तो आप दो ही करो ना एक छूट छूट जाने दो तो उसको लिख के रखो बाद में करो बट रिवीजन तो करो अच्छे से उसको ठीक से करो एटलीस्ट आपको सपोज दो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो या सपोज बायो तीन है तो अगर आप तीन में से दो अच्छे से करो अगर तीन नहीं हो रहे तो तीन किए तो बेस्ट है अगर नहीं हो रहे तो दो अच्छे से करो अभी के लिए तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा पो, पोस्टपोन करो उसको करना नहीं ऐसा नहीं उसको बाद में करो बट लिख के रखो कि वो चैप्टर मेरा बाकी है करके बट जो किया उसमें तो आना चाहिए मार्क्स अगर आप टाइम नहीं टाइम नहीं बोल के ऊपर ऊपर से तीनों कर रहे एक ना धर्ड बारह वर्जन दिया कुछ फायदा नहीं उसका सब कर रहे बट कुछ हो ही नहीं रहा ना सो दिस शुड नॉट बी द केस आपको डिटेल में करना पड़ेगा जितना जरूरी उतना तो करना ही पड़ेगा उसको उतना टाइम नहीं देंगे तो नहीं होगा वो चैप्टर को और अगर आप ऑनेस्टली अच्छे से हार्ट डाल के इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना तो हो जाता है इंटरेस्ट डाल के और अगर क्लास में बहुत अटेंटिव जो बोला गया वो फॉलो करते हैं ना एग्जैक्टली exactly. मैंने जो वीडियो में बोला है नोट्स कैसे बनाना है कैसे पढ़ना है कैसे क्लास अटेंड करना है कैसे सॉल्विंग करना है ये चीज़ें जितना आप परसेंट में आप फॉलो करेंगे जितना एक्यूरेटली परफेक्टली फॉलो करेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेंगे सिंपल एज सिंपल एज दैट और ये टेंथ की तरह नहीं है टेंथ में आप खुद कर लिया हो जाता है इसमें ऐसा नहीं होता गाइडेंस लेना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है तभी होता है नहीं तो नहीं होता नहीं तो आपने बारह बारह घंटे पढ़ना चाहिए और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट चाहिए तो होने के थोड़े चांसेस है बिना गाइडेंस के बट फिर भी होगा कि नहीं गारंटी नहीं दे सकते समझे ना बट गाइडेंस रहा अगर आपका थोड़ा इंटेलेक्चुअल थोड़ा कम भी रहा ना तो भी हो जाएगा अगर आप एग्जैक्ट फॉलो करते हैं तो

हम हफ्ते में एक ही मीटिंग रखेंगे वेनसडे बस थोड़ा सा वो लंबा चलेगा तो आप एडजस्ट कीजिए थोड़ी देर कोई जल्दी सोता होगा तो सॉरी मैं भी जल्दी सोने का ट्राई करता हूँ बट इट इज इम्पॉर्टेंट ये बहुत हेल्प करेगा आपको इसलिए हम लोग फिर से ज्वाइन कीजिए आप अभी ज्वाइन करके हम बस मैक्सिमम क्या करेंगे विल गो टू टेल टिल टेन फिफ्टी फाइव मैक्स नाइन फिफ्टी फाइव तक जाएंगे मैक्स नाइन फिफ्टी फाइव तक लेंगे हम लोग मैक्सिमम बट फिर से सब लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ठीक है थेके? होप्स आपका आइडिया आया होगा अभी दिस मीटिंग विल एंड सो रिजॉइन अगेन विद सेम आईडी देन आई विल टेक सम क्वेश्चन आंसर तो सॉल्विंग के लिए अगेन आई रिपीट क्या क्या पहले स्टार्ट सॉल्विंग ठीक है प्रैक्टिस फिर मैंने बोला एनालिसिस है ना एनालिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग वाई वाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड नेक्स्ट क्या बोला मैंने फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो मगर फार्मूले करो समझ भी लो और उसके कंडीशंस और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं आया तो उसको इंटरवल्स में बार बार सॉल्व करो रिपीटेड सॉल्विंग एक बार करके नहीं होता रिपीटेड सॉल्विंग करो वही आपका वीकनेस है तो उसको रिपीटेडली करोगे तो होगा नहीं आ रहा है फिर भी टेक हेल्प ऑफ टीचर टीचर्स का हेल्प ले लो ठीक है तो ये वाला हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की है फाइनली तो चलो मीटिंग एंड होगा रिज्वाइन अगेन